जिंदगी में हालात कैसे भी हों, बहादुर कभी रोया नहीं करते। सीखने का जुनून हो तो वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। जिस व्यक्ति की जीवन गाथा आप सुनने जा रहे हैं, वो भी गिरा। एक वक्त था जब भारी दुर्घटना में वो बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन फिर भी उसने गिरकर भी हार नहीं मानी, क्योंकि उसने ठान रखा था कुछ बड़ा करने का, जमीन से चलकर आसमान को छूने का, एक आम इंसान से सफल इंसान बनने का। और फिर एक दिन वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हुआ, चला, फिर दौड़ा और देखते ही देखते बन गया डायरेक्ट सेलिंग की अग्रिम कंपनी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का हीरो, डायमंड लीडर विकास यादव। नवाबों के शहर लखनऊ से 130 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक शहर है, नाम है लखीमपुर खीरी। एक वक्त था जब इस जिले को लक्ष्मीपुर के नाम से जाना जाता था। आपने महान कवि वंशीधर शुक्ला की तो कविताएं रचनाएं जरूर पढ़ी सुनी होंगी, जिन्होंने कदम कदम बढ़ाए जा, उठ जाग मुसाफिर, ये किसान की रोटी और भी तमाम कविताएं लिखी। लेकिन आप शायद ये ना जानते हों कि महान कवि को जनने वाली धरती लखीमपुर खीरी की है, और इसी सरजमी पर वंशीधर की कविताओं को सुनते सुनते बड़े हुए विकास यादव। 20 नवंबर साल 1989 को लखीमपुर खीरी जनपद के राजगढ़ मोहल्ले में जन्मे विकास यादव बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना मन लगाकर पढ़ाई करने का। विकास यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुंवर खुश्व कराए स्कूल और धर्म सभा इंटर कॉलेज लखीमपुर से की। ग्रेजुएशन युवराज दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर खीरी से की। विकास के पिता मूलचंद्र यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उनकी माता रामगुनी देवी घर संभाला करती है। विकास यादव दो भाई और दो बहनों में सबसे छोटे थे। बड़े भाई सरकारी प्राथमिकी विद्यालय में अध्यापक हैं, और दोनों बहनें भी सरकारी विद्यालय में सरकारी नौकरी करती। सभी भाई बहन शिक्षा विभाग में सरकारी अध्यापक होने के चलते परिवार की तरफ से विकास को भी शिक्षक बनाने की ही सोच थी, और इसलिए विकास यादव ने बीएड की पढ़ाई सीतापुर शिक्षण संस्थान से किया, और उसके बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए प्रयागराज चले गए। सरकारी नौकरी की तलाश में पहुंचे प्रयागराज शहर ने विकास यादव की दुनिया ही बदल दी। यहां उन्हें उन्हीं के मित्र आनंद राय जी के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग को जानने समझने का अवसर मिला। फिर उन्होंने इस इंडस्ट्री में कार्य करने का फैसला लिया और जुट गए अपने मिशन पर।
की उम्र है उतनी कम है। लेकिन शुरुआत में वो जहां कहीं भी बिजनेस के बारे में लोगों से साझा करते तो उनको निराशा ही होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, शुरू में अगर कोई आपके साथ ना आए तो डरिए नहीं, हौसला रखें, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। इसी सिलसिले में विकास यादव की मुलाकात हुई ज्ञान सर से और उनका मार्गदर्शन और गाइडलाइन मिला। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि फिर बिजनेस के दरमियान ही विकास यादव के जीवन में एक मोड़ आया, जब विकास बुरी तरह एक दुर्घटना में घायल हो गए। गंभीर चोटों के कारण विकास यादव 6 महीनों तक कोई काम नहीं कर सके। लेकिन काम ना होने के बावजूद टीम वर्क की ताकत की वजह से लगातार इनकम आती रही। बेड पर पड़े रहने के बावजूद आती रही इनकम ने यह आश्वासन दिला दिया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या बोल रहे हैं। जब वो बिजनेस में सफायर रैंक पर थे तब 30 नवंबर 2020 को सुषमा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। साल गुजरा और फिर एक दिन विकास यादव के घर में खुशियों ने दस्तक दी। विकास और सुषमा के घर लक्ष्मी स्वरूप पुत्री अविका का जन्म हुआ। आज वो खुश है अपने परिवार संग और अपनी प्यारी सी टीम के साथ। विकास यादव कहते हैं, यह हमारी कोई ताकत नहीं है, इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं अपने माता पिता को, महान कंपनी AWPL को, फाइटर सक्सेस सिस्टम को और मेरे सभी मेंटर्स श्री ज्ञानधर गुप्ता सर, श्री कुलदीप मुदगिल सर, श्री महिपाल सर और CEO एंड MD श्री संजीव कुमार सर और प्यारी सी टीम को, जिसकी वजह से मैं सफल हो पाया। Oh.